हाय बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत एक शेर से करते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। जी हाँ बच्चों, आपके 12th का रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद है कि आप सबों का रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो घबराना नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है। पेरेंट्स से खासकर गुजारिश है कि ये वक्त एक स्टूडेंट जानता है, हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, कि अगर एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आ जाते हैं तो बच्चों पे क्या गुजरती है। ये वक्त है पेरेंट्स वालदेन अपना फर्ज निभाने का, बच्चों के साथ खड़ा होने का, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने का, हौसला और हिम्मत देने का कि कोई बात नहीं है बेटा, नेक्स्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये चंद नंबर्स एक बच्चे की करियर को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तारीख के औराक भरे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां जो गुजरी हैं, कई जगहों पे उनके मार्क्स नहीं आए हैं, कईयों को तो टीचरों ने कुंद जहन बता दिया है कि भाई ये बच्चा सीख ही नहीं सकता है, तब भी उन्होंने एक नुमाया मकाम हासिल किया है। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है कि 12th का एग्जाम आपने दे दिया, अब क्या करें। ये बड़ा डायलेमा होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखिए, फैसला तो आप ही को करना है, लेकिन मेरी ये लेक्चर शायद आपके फैसले करने में हेल्पफुल हो सके। पूरे आखिर तक देखिए 12th के बाद आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, चार में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, हालात आपके कैसे हैं। मैं बताते जाता हूं कि आप इन चारों में से किस एक को चुने और किस बेस पे चुने। तो शुरुआत करते हैं बच्चे। पहला है कि अगर आपने 12th अपियरिंग के साथ नीट का एग्जाम दिया है और आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 620 के अराउंड प्लस माइनस 5 है, और ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, स्टेट में तो और भी कई स्टेट्स में कम हो जाते हैं, उसके अराउंड से तो आप MBBS में एडमिशन ले लीजिए। खा हो कोई भी कॉलेज हो और गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी तो आप ले लीजिए। और अगर थोड़ी सी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मार्क्स कम भी है, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिल सकता है। हाँ, अगर मार्क्स ज्यादा है तब आप एनालिसिस करेंगे किस कॉलेज में जाना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड करता रहूंगा मैं कि कौन मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए, BHMS के लिए, BUMS के लिए, BMS के लिए अच्छे हैं, तो आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। ये पहला स्टेप है। अगर आपके मार्क्स नीट में अच्छे आ रहे हैं तो आप आंख बंद करके इस करियर को चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं नीट में और आपको लगता है कि अब हम क्या करें, तो आपके पास फिर बेटा दूसरा स्टेप ये आ जाता है कि आप ड्रॉप लें। ड्रॉप लेंगे तो उसमें नीट, CUET, IISc, नेस्ट, ICAR, इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग एग्जाम्स है। इसके लिए आप एक साल ड्रॉप ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के जहन में यही होता है कि हम ड्रॉप लें या ना लें। मैं 2-3 बातें बताता हूं जो आपको मदद करेगा कि आप ड्रॉप लें या ना लें। देखो बच्चों, ड्रॉप लेने का सबसे पहला कंडीशन यही है कि क्या आप ड्रॉप लेंगे तो उस एक साल को बेहतरीन तरीके से पढ़ने में गुजारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आपके दिल में ये इरादा है तो बिल्कुल ड्रॉप ले आओ। ये ना सोचे कि कहीं ड्रॉप लू सिलेक्शन ना होगा। अरे, आप पढ़ने का इरादा रखते हैं ना, सिलेक्शन ना हो, आप इस एक साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सीखेंगे बहुत, और अगर सीखेंगे तो आप बायो में करियर बनाएंगे तो पूरी जिंदगी आपको इनकी जरूरत पड़नी है। फिजिक्स की तो नहीं, केमिस्ट्री बायो की तो जरूरत पड़नी पड़नी है। तो आप आगे भी इसका फायदा मिलेगा आपको इसे एक साल पढ़ने का। आप बी फार्मा करके आप गेट का एग्जाम दीजिए, वहां पे आप बॉटनी जूलॉजी चुन सकते हैं, केमिस्ट्री कंपल्सरी होता है। आप CSIR का एग्जाम दीजिए, वहां पे चुन सकते हैं। अरे, आप अभी तो BEd खत्म नहीं हुआ है ग्रेजुएशन के बाद, वहां पे आप BEd में इन सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो ये कभी नुकसान नहीं करेगा। शर्त यह है कि आपको लगे कि आप एक साल पढ़ेंगे। पहला कंडीशन कि आप पढ़ेंगे तो ड्रॉप लें। दूसरा कंडीशन,
पैसा कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है आज के दौर में। यूट्यूब में इतने कंटेंट है, अच्छे अच्छे लेक्चरर्स लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप मेरे साथ भी बने रहेंगे तो पूरी साल में इंशाल्लाह बायो की पूरी कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स को कवर करो, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो कवर करी हूं करूंगा ही, ये आप कमेंट में बताएंगे। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कॉन्टेंट आपको मिल जाएंगे। हाँ, अब इतनी भी फाइनेंशियल इशू ना हो कि आपके पढ़ने में रुकावट डाले, आप डिस्टर्ब रहो, आप पढ़ ना पाओ, तो अगर इस तरह की हालात हो तो फिर कोई छोटा कोर्स कर लेना है आपके जो बजट अलाउ करता हो, और फिर एक करियर की तरफ गामजन होना है। तो दो ही कंडीशन है आपके रुकने का, पहला कि आप पढ़ने का इरादा रखते हो, मैं तो कहता हूं पहला ही मेन है, दूसरा को तो आप ओवरकम पा ही लीजिएगा, फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा हिंड्रेंस नहीं है आज के दौर में, पहले हुआ करता था हमारे स्टूडेंट लाइफ के वक्त में, क्योंकि आजकल कॉन्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अब दिल लगा के पढ़ेंगे तो मुमकिन है। तो ड्रॉप लेने के लिए ये दो बातों का ख्याल रखें, ईज कोई फैक्टर नहीं है, एक साल से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप कहते कि नहीं मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, बस मुझे तो अब आगे कोई कोर्स करना है, मैं 12th 11th 12th अब दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, उस केस में ड्रॉप लेना सही नहीं है, क्योंकि आपका एक साल पूरा बर्बाद होने वाला है। आप कहीं एडमिशन ले, बेहतरीन करियर है, एक से एक करियर है, सब पे आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बनाएंगे अपलोड करेंगे, आप कहीं भी एडमिशन ले ले, तो ये है, ठीक है बेटा। और तीसरा कंडीशन एक ये है कि आप एडमिशन ले लें इन सारे कोर्सेज में जो मैंने लिखा है, बीएससी नर्सिंग में, बीएमएस में, बीयूएमएस में, बीएचएमएस में, वेटरनरी साइंस में, फार्मेसी में, बायोटेक में, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, बायो माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, यहां कहीं भी आपके नीट में कम मार्क्स भी आएंगे तो इनमें एडमिशन हो जाते हैं, सीयूटी में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो एडमिशन हो जाते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत कम पैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगते एमबीबीएस इतना, तो यहां पे एडमिशन हो सकता है, मिल जाएगी आपको और आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे तो आगे पढ़ना है यार, मैं 11th 12th में तैयारी नहीं करूंगा, मैं उतना डिवोट नहीं कर पाऊंगा, तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नीट में आपके कम नंबर भी हो, सिर्फ आप क्वालिफाई भी हो तो कई कोर्सों में एडमिशन मिल जाएगी, कई बार आपने नीट दिया भी नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटी में तो यूं ही मिल जाते हैं इनमें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और कोई बहुत ज्यादा एमबीबीएस इतना खर्च नहीं आते, कम आते हैं, विद इन 6 to 8 lakh के बजट में प्राइवेट कॉलेज में भी हो जाते हैं। मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो बेटा इसमें एडमिशन ले सकते हो, और इसका भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इसका भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है इन सब करियर्स का भी, तो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, चौथा एक और काम आप इख्तियार कर सकते हैं, कई बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मैं तो डायलेमा में हूं यार, मेरा हुआ नहीं हुआ या जो भी हो, उस डायलेमा में आप प्रिपरेशन नीट कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहां पे वो प्रिपरेशन ऑफ नीट होगा, होना चाहिए था फॉर लीट टाइप कर, प्रिपरेशन आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं अलोंग विद ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए और नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं साथ साथ, पर ख्याल रहे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन जब आप ले रहे हैं तो आमतौर पे ऐसे कोर्स मिले जहां पे बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री भी हो, मैं समझता हूं सबसे अच्छा कोर्स है लाइफ साइंस या जनरल बीएससी, जहां फिजिक्स के जहां जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री आ जाते हैं, एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो आपके तैयार हो ही जाते हैं कॉलेज के साथ साथ, या फार्मेसी ले लें, अब बिल्कुल हट के आप एडमिशन लेंगे तो तैयारी में रुकावटें आएंगी। एक बच्ची थी मेरे यहाँ जिससे मैं पढ़ाया करता था, नंदिनी नाम था उसका, उसने यही किया, एम्स नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका हो गया था, लेकिन उसने सेकेंड अटेम्प्ट में ले लिया और फिर वो प्रिपरेशन करती रही, ऑनलाइन मुझसे हेल्प लेती रही, और इस लास्ट ईयर उसका एमबीबीएस में भी हो गया। तो एक ये भी तरीका है कि आप उस चीज में एडमिशन ले लो जहां पे आपको जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये चारों में से कोई एक आप अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग चुन सकते हो। अगर कोई और भी इश्यूज हो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका भरपूर गाइड करूं। जय हिंद, जय भारत।